Hey fam, welcome back to the 10 star. तो क्या हाल है, आ गए हम फिर से ताजे ताजे मीम्स लेके. एंड दिस वीडियो इज ऑफ वो. अच्छा, इसका टाइटल अलग है, मीम अप की वीडियो है और टाइटल है मीम्स दैट आई कांट स्टॉप लाफिंग एट. ओके, नई वीडियो, नया टाइटल, नए साल के साथ मीम हमने शुरुआत करी तो मजा आने वाला. लेट्स बिगिन विद द वीडियो, देखते हैं वीडियो कैसी है. पर भी बहुत सारे वीडियो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड कोई देख के बता सकते हैं मैं नया नहीं हूँ. भाई का स्वैग ही अलग है. तो लेट्स तबीयत खराब है, सुनना है कोई ऐसे ऐसे कमेंट करे. दो तीन दिन हो गए ना, दूसरा दिन है. लेट्स बिगिन एंड देखते हैं. मैं नहाऊंगा, वीडियो बना के नहाऊंगा. हेलो, लेट्स बिगिन एंड देखते हैं वीडियो कैसी है. आप जा, आप काम करो, आप काम करो. तो क्या हाल चाल है भाई लोग, तो आप सभी का स्वागत है एक नई मीम वीडियो में. और आज की मीम वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारी इस साल की पहली वीडियो होने वाली है. तो इसी बात पे आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात कहनी है कि हमारे चैनल पे भी कुछ कॉपीराइट का इशू चल रहा है जिसकी वजह से मुझे अपनी सारी मीम वीडियो जो है उनको प्राइवेट करना पड़ गया था. पुरानी मीम वीडियो 80 से 90 तो मैं वही उसको रिसोल्व कमेंट आया था कर रहा हूं. मैं कि वो अपनी बहन से करवाता है वो सारी वीडियो जो है वो वापस आ सके, पर मुझे नहीं पता वो सारी वीडियोस वापस आएंगी भी या नहीं आएंगी. अरे मुझे क्या देख रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है? चलो मैडम टांग उठाओ. ये अपमान जाने बातें करा लोटा, ये असली पे झाड़ू लगानी है. झाड़ू, अरे झाड़ू देनी है, देनी. अरे भाई जाला लगा हुआ है भाई, ये स्क्रिप्टिंग गलत है भाई, ये नहीं खेलना भाई, मैं जा रहा हूँ भाई. तो ट्यूशन वाले मीम के बाद बारी आ जाती है हमारे खीरे वाले मीम की. मुझे पता है सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बट ये देखो. ध्रुव फ्रिज से खीरा देना. अब ऐसी हो गई है वीडियो इसकी, ये को खीरा खाने का टाइम है, समझ रहे हो? मतलब ट्विस्ट, समझ रहे हो? एक काम करो, तुम दोनों बाहर आ जाओ, मैं अपने हाथों से सलाद बना के दूंगा. तो हमारा अगला मीम है टॉक शो से, जहाँ पे लड़के और लड़कियों में डिबेट चल रही है और उसके बाद प्रेजेंट. खैर तुम खुद ही देख लो. मर्द से ज्यादा कमाने लगे या औरत मर्द से ज्यादा अकलमंद हो, मर्द को फौरन इस चीज की जो है वो ईगो पर लेता है वो अपने आप को कि अगर मैं इतना अकलमंद नहीं हूँ, ये मुझसे ज्यादा क्यों अकलमंद हो रही है. तो ये मर्द के दिमाग में चीज़ बहुत ज्यादा. एक मर्द है, उसने कहा कि वो एक अच्छा खासा करोड़पति इंसान था. उसने एक स्पीच दे रहा था पूरी कॉन्फ्रेंस के सामने, उसने कहा कि मैं जो भी हूँ आज अपनी बीवी की वजह से, वरना मैं अरबपति होता. मोदी जी की तरफ से, जहाँ पे मोदी जी आपकी अदालत में गए थे एंड वहाँ पे एक ठगलाई वाला पार्ट हुआ. ये देखो, आप संन्यास की बात करते हैं लेकिन मैंने सुना कि जब आप गुजरात में जाते हैं तो लड़कियाँ अपने गाल आगे कर देती हैं, वहाँ पर ऑटोग्राफ कर दीजिए. अब उन बच्चों को मेरी जिंदगी का पता नहीं है और मांगते हैं ऑटोग्राफ अलग अलग, जैसा उनको जो जगह मिल जाए वो आ जाते हैं. तो कभी ऐसा नहीं लगता कि कुमारे रहकर गलती कर दी? हो सकता है शायद ये कुमारे होने का फायदा हो. अगला ही वहाँ नहीं जाता, मोदी जी छा गए. तो कोविड की वजह से पिछले 2-3 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और अगला मीम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के नतीजों पे है. ये देखो, किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ. हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं. 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है. ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन. भाई कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? सब्जेक्ट विषय मटर पनीर. इंग्लिश. इंग्लिश कोई पोयम याद है इंग्लिश का? पालक पनीर. हाँ, कौन पोयम याद है? 55 50 55 का ये स्पेलिंग याद है, अभी 100 का. इंग्लिश में पोयम याद है? नहीं नहीं याद है, इंग्लिश अच्छा लगता है. अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार. लालू यादव. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो. प्रधानमंत्री मोदी.
मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। अरे पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। अरे क्या कट जाता है? वही जो हर किसी का कटता है इस उम्र में। इस उम्र में कटता नहीं है, आप खुद जाके कटवाते हैं भाई, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, हम कटवाते नहीं है, बस आपके जैसे कुछ खवातीन होती हैं जो मैं हमारा कार्ड थी। मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी से बेहतर बिजनेस नहीं है? नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी का अलग माहौल होता है। क्या चाहिए आपको माहौल में, क्या चाहिए मुझे बताना? वो ऑन कैमरा बोल नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता। अनुशासन प्रतिष्ठा भैया, आप जब आपको चीज दिल में रखते हैं ना, ये देखो मेरे मुंह में जो आ रहा है बोली जा रही है ना, आप भी बोलो। वो तो खवातीन का काम है ना, जो ना भी मुंह में आए वो बोलना चाहिए। म्यूजिक गजब बेइज्जती भाई, गजब। बहुत मुश्किल हो रही है पहले से आराम है। और बोलो। अच्छा मुझे ये बता, ऐसी कौन सी चीजें जिसे हम मुंह में लेके आगे पीछे करते हैं? मैं तो आप फिर वही कह सकते हैं, वो जो जब हम छोटे होते थे 5 रुपए वाली कुल्फी मिलती थी ना ऑरेंज कलर की, उसको ही हम करते थे मुंह में आगे पीछे। और तो कोई ऐसी चीज नहीं याद है। अब ऐसा कुछ नहीं है। कुल्फी अब है लेकिन हम उस तरह के नहीं है। तो ये 2022 वाला न्यू ईयर हम सभी ने सेलिब्रेट किया, पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस 2022 के न्यू ईयर से उतना ज्यादा खुश नहीं थे। Hey, y'all, come look at this. देखो भाई, थ्योरी ऑफ न्यूटन, थ्योरी ऑफ आइंस्टीन तो हमको एक हद तक समझ में आ गया, लेकिन ये थ्योरी ऑफ हैप्पी न्यू ईयर आज तक समझ में नहीं आया। का हैप्पी न्यू ईयर? न्यू ईयर तुम्हारा विवाह बिल गेट्स की बेटी से करवा देगा। न्यू ईयर तुम्हारे जीवन में खुशियों की लड़िया लगा देगा। देखो प्यारे, लड़िया का तो पता नहीं, लेकिन एक चीज तुम्हारे जीवन में जरूर लगेंगे, वो है लपड़े, जो पिछले साल भी लगे थे और इस साल भी लगे रहेंगे, वो भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। और ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन का क्या चुप है? लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम 1 जनवरी से जिम स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, हिलाना बंद कर देंगे। अरे मादर, जब से होश संभालो भोस्टी के, यही ख्वाब तुम्हारे साल सजाते हो, यही ख्वाब सजाते सजाते एक दिन तुम्हारी अर्थी सज जाएगी, लेकिन तुमसे उखड़ेगा झाट का बाल भी नहीं। अरे हमने भी क्या क्या सपना नहीं सजाते जिस नए साल से। 2020 आए, तुमका डीजे बजा के स्वागत किए, अपने भिखारी रूपी दोस्तों को खाना खिलाए, लॉन्ग लाची गाने पर डांस किए, और अंत में क्या हुआ, 2020 बेवफा निकल गए। फिर आए 2021, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, 2021 का भी उसी हर्षोल्लास से स्वागत करेंगे, वही डीजे, वही लॉन्ग लाची गाना, वही भिखारी रूपी दोस्तों को खाना खिलाना, और अंत में क्या हुआ, 2021 भी ढांड मार के चले गए। अब आए हैं 2022, तुमको मौका नहीं देंगे बोली के, इंसान है चुतिया नहीं। 2022 तोड़ देंगे तुम्हारा सारा ख्वाहिश, और जो तुम्हारे पूर्वजों ने बनाई है ना हमारी जिंदगी झंड, अब हम तुमको देंगे अखंड प्रचंड हाथी का लंड। हैप्पी न्यू ईयर। अरे लपे का न्यू ईयर। एवरी फ्रस्ट्रेटेड इंडियन। तो हमारा अगला मीम आ जाता है कियारा आडवाणी और विक्की कौशल की तरफ से। नहीं, अडल्ट फिल्म देखी है? अडल्ट फिल्म? हां, कैटरीना भाभी बताएंगी बेटा आपको। स्कूल में, कॉलेज में देखी थी, अभी पिछले महीने तक देख रहे थे। क्यों? पिछले महीने तक देखे, तब शादी हो गई। नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बाहर जब लड़के कहते हैं ना, ओ बेबी, ओ बेबी, ओ बेबी, और लड़कियां भी कहती हैं, ओ या, लुक एट हिज फेस, ओ या, क्या बोल रही है? साथ साथ समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ, ये बात पता है हमको, कभी समझ ही नहीं आई। अरे या तो तू मजे ले लो या बातचीत कर लो, या फिर आराम से बैठ के बातचीत कर लो या मजे ले लो। साथ साथ करने का क्या चक्कर होता है, हमको कभी समझ नहीं आया। तभी कैटरीना से शादी हुई है। तो अगला मीम एक होटल वाला मीम है, और ये मीम देखने के बाद आप भी मुझे कमेंट्स में बताओ क्या आप भी ये सब करते हो या नहीं। होटल बढ़िया था यार ये, जल्दी चलो। जो भी है पायल जरूर करती होगी, चीजें उठा के लाती है अगर ये वही है तो। ये क्या कर रहा होटल की ये? देखा पायल, अबे ये भी होटल का है, याद है हमने प्लान किया था, ये भी उठा लेते, ये भी उठा लेते। हेलो, सोचा था बस। सर आज आपका चेकआउट है?
इसको भी डालो। अबे इंसान है ये। नाइस वन। पैसे दिए है बुरे जाके। तो अगला मीम मूंगफली का मीम है। जब कस्टमर भी हरामी हो और मूंगफली बेचने वाला भी हरामी हो तब ये होता है। Excuse me, sir. Yes. But what would happen if, for some reason, we ignore? मैं बताऊंगा मीम आपको करना क्या चाहिए। 100% of the cerebral capacity. 100%. Yes. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स पे अपना फेवरेट पार्ट बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं दैट वाज इट तो भाई मैं बता दूं क्या करना चाहिए। एक्चुअल में ना अगर कॉपीराइट का इशू है तो सबसे पहली चीज़ तो जो कॉपीराइट कंटेंट ही मत यूज़ करो। बीच में खुद आने से कुछ नहीं होगा, मतलब उससे ऐसा नहीं होगा कि कॉपीराइट नहीं आएगी। अगर कॉपीराइट कंटेंट है तो वो कॉपीराइट कंटेंट आएगा ही आएगा, चाहे बीच में खुद आओ ना आओ। अब जैसे हम हैं, हम बीच में हम हैं, हम वीडियो अगर रिएक्ट कर रहे कुछ, अगर कॉपीराइट कंटेंट यूज़ होगा तो वो कॉपीराइट आएगी आएगी। तो जैसे उसको वो है कौन सा चैनल है, मीमापुर है, डिस्क्रिप्शन में जाके भाई की वीडियो देखो एंड सपोर्ट करो। एंड यू कैन फॉलो सन इंस्टाग्राम, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन। टेक केयर, बाय बाय।